Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So we are doing episodes of web technology series, and today we are going to start episode 14, that is working with images. So guys, images जो होती हैं वो हमारा जो appearance है, अपना हमारा जो web page का design है उसको improve करती हैं. Without images अगर हम कोई book पढ़ रहे हैं वो भी इतनी boring होती है, और अगर वही book with pics हो तो वही book हमें पढ़ने का मन करता है. तो बेसिकली हम पिक्स को ऐड करते हैं अपने वेब पेज में या फिर कहीं पर भी, ताकि हमारा अपीयरेंस जो है वेब पेज का या किसी बुक का अच्छा हो सके और वह इंटरेस्टिंग बन सके. तो हम जो इमेज है उसको अलग अलग वेज में, अलग अलग फॉर्मेट्स में बना सकते हैं, कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं. तो बेसिकली हम यहाँ पर तीन ग्राफिक फॉर्मेट्स पढ़ेंगे. पहला है GIF, सेकेंड इज़ JPG और JPEG और PNG. सो हम इन तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले है .GIF. GIF मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. GIF जो है वे मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब हमने ग्राफिक्स या पिक्चर्स को प्रेजेंट करना होता है वेबसाइट के ऊपर. बट बात ये है, ये सिर्फ 256 कलर्स ही सपोर्ट करता है. अगर हम चाहते हैं कि कोई इमेज को सेव करें पर उसमें मिलियंस ऑफ कलर्स हों तो उससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेव हो जाएगी, बस उसकी जो क्वालिटी है वो फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी बिल्कुल लो हो जाती है. एंड GIF जो बेस्ट फॉर्मेट है अगर हम लेस कम्प्लेक्स या फिर नॉन फोटोग्राफिक इमेजेस को सेव करना चाहते हो, सच एज लाइन आर्ट, क्लिप आर्ट, आइकन्स, तो इनके लिए ये बेस्ट है. एंड GIF फाइल्स जो होती हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं यूजिंग लॉसलेस कंप्रेशन टेक्निक्स. तो उसमें लॉस नहीं होता कोई भी, एंड वो कंप्रेस ईजिली होती हैं, मीनिंग इमेज क्वालिटी इज़ नॉट सेक्रीफाइस्ड. मतलब अगर हमने फाइल का साइज़ कम करना है पर वो इमेज के साथ कोई भी क्वालिटी के साथ कोई भी सेक्रीफाइस नहीं करता, क्वालिटी सही ही रहेगी. अगर वो क्वालिटी को हार्म करता है तो उसका इमेज का साइज़ जो है वो नहीं कम होगा, वो उतना का उतना ही रहेगा. तो बेसिकली इट्स अ गुड थिंग. एंड हम इसको एनिमेशंस के लिए भी यूज़ करते हैं. एंड जो GIF फाइल्स होती हैं वो बहुत सही होती हैं अगर हमने स्मॉल आइकन्स या फिर एनिमेटेड इमेजेस बनानी होती हैं. एंड बट यार इसमें ये इशू है कि इसमें हम काफ़ी सारे कलर रेंज यूज़ नहीं कर सकते. एंड ऑन द डाउन साइड GIF जो है हमारी वो लार्जर फाइल्स के लिए होती है, एंड कंप्रेस तो नहीं होती है उतनी जितनी JPEG होती है, बिकॉज इसकी क्वालिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है. एंड इस वजह से इसमें स्लो लोड टाइम्स होता है एंड लार्जर ट्रांसफ़र रेट्स होते हैं. तो ये था हमारा GIF. उसके बाद है हमारा .JPG या फिर .JPEG. तो JPG को हम JPEG फाइल्स भी बोलते हैं. दैट मीन्स ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, अ कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर डिजिटल फोटोज एंड अदर डिजिटल ग्राफिक्स. ये दोनों का एक कॉमन फाइल है. JPEG फाइल्स जो होती हैं वो कंप्रेस्ड होती हैं यूजिंग लूसी कंप्रेशन टेक्निक. मतलब इमेज क्वालिटी लॉस हो जाती है जब हम उसका साइज़ डिक्रीज़ करते हैं. JPEG फाइल सपोर्ट करती है 34-bit कलर को, एंड दे आर मोस्टली कॉमन फाइल फॉर इमेज टेकन विद डिजिटल कैमरास. तो डिजिटल कैमरास हम यूज़ करते हैं, उसमें जो इमेजेस होती हैं वो मोस्टली JPEG फॉर्मेट में होती हैं. एंड वाइडली यूज फॉर फोटोज़ एंड अदर ग्राफिक यूज ऑन द वेबसाइट. तो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वेबसाइट पे फोटोज़, ग्राफिक्स, वहाँ पर ये यूज़ होती हैं. JPEG images are not limited to certain amount of colors like GIF. तो इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है, ये बहुत सारे कलर्स को कर सकते हैं. जैसे GIF में सिर्फ लिमिट थी कलर्स की, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है. इस वजह से JPEG फॉर्मेट जो है वो बेस्ट है फॉर कंप्रेसिंग फोटोग्राफिक इमेजेस. तो इसमें कंप्रेस करने के लिए हमें कोई इशू नहीं है, पर ये है इसमें इमेज क्वालिटी कम हो जाती है, बट इसमें कंप्रेस हो जाती हैं इमेजेस. उसके बाद है .PNG. PNG मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, एंड अ ग्राफिक फाइल फॉर्मेट जो सपोर्ट करता है लॉसलेस डाटा कंप्रेशन. अब इसमें वो कंप्रेस भी होगा और डाटा भी लॉस नहीं होगा. PNG वॉज क्रिएटेड टू कंबाइन द बेस्ट. GIF एंड JPEG का बेस्ट कंबाइन है. इसमें हमारा डाटा कंप्रेस भी होगा एंड हमारा क्वालिटी भी कुछ ख़राब नहीं होगा. PNG हैज़ द सेम कंप्रेशन एज GIF but support 24-bit color like JPEG does. PNG में allow the data to be filtered before it is compressed. पहले वो filter होगा, उसके बाद compress होगा. जो हमारा पर्पस होता है फ़िल्टरिंग का वो ये होता है कि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सके। और पीएनजी फॉर्मेट है जो वो अलाउ करता है स्टोरेज ऑफ इमेज को विद अ ग्रेटर कलर डेप्थ, कि जो उसकी कलर है वो अच्छा रहे एंड द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। मतलब इमेज में कलर बिल्कुल सही होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी इन्फॉर्मेशन बाद में मैटर करती है, पहले उसका कलर मैटर करता है। लाइक GIF, अ PNG फाइल इज़ कंप्रेस्ड इन लॉसलेस फैशन, तो वो कंप्रेस तो होगी बट उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें। एंड एन इमेज इन PNG कैन बी 10 to 30% मोर कंप्रेस दैन इन द GIF फॉर्मेट, तो ये ज़्यादा कंप्रेस हो सकती है 10 to 30% मोर GIF फॉर्मेट से। उसके बाद है HTML इमेज सिंटैक्स। इमेज का सिंटेक्स क्या होता है, हम इसे कैसे अपने प्रोग्राम में डालेंगे। तो HTML में जो इमेजेस होती हैं वो डिफ़ाइन करते हैं हम एंगुलर ब्रैकेट में IMG लिखकर, एंड इसका अगर उसमें टैग एम्प्टी हो अगर बाय चांस तो उसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं सिर्फ और उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। एंड अगर हम इसे सिंटेक्स की बात करें तो इसको IMG एंगुलर ब्रैकेट में IMG SRC इज़ इम्पॉर्टेंट टू राइट, SRC सोर्स इज़ इक्वल टू URL, तो URL जो हमारा इमेज होगी दैट और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इमेज के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे SRC, ALIGN, ALT, टाइटल, बॉर्डर, हाइट एंड विड्थ। इन सब की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। SRC को हम URL में करते हैं, ALGN को हम टॉप, बॉटम या फिर मिडल या लेफ़्ट राइट जैसे भी हमने अपने पेज पे इमेज शो करवानी है उसके हिसाब से। एंड अल्ट को हम टेक्स्ट के फॉर्म में करते हैं, टाइटल को भी टेक्स्ट के फॉर्म में करते हैं, बॉर्डर, हाइट, विड्थ को हम पिक्सल्स के फॉर्म में करते हैं। उसके बाद हमारा कुछ और है जैसे एच स्पेस है, उसको हम पिक्सल के फॉर्म में करते हैं, वी स्पेस है पिक्सल के फॉर्म में करते हैं, एंड यूज मैप है उसको हम मैप नेम के करते हैं। तो बेसिकली हमने इसमें जो भी किया अभी तक वो हम अभी प्रैक्टिकल के फॉर्म में करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आ सके कि ये है क्या है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स सी, अगर हम बात करें जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि HTML हेड और टाइटल दैन हेड क्लोज बॉडी, ये तो सभी का सिंटेक्स जो हमारा सेम ही है। तो हम अभी सीधा बात करेंगे इमेजेस से। इमेजेस में हमने टाइटल दिया है इमेजेस इन HTML, एंड बॉडी में हमने अपना मेन काम बॉडी में करना है। तो बॉडी की बात करते हैं। हमने ये बताया था मैंने आपको कि इसका सिंटेक्स क्या है, IMG SRC स्टार्ट होगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने दिया है इसका लोकेशन दिया है लाइक F फोल्डर में है, इमेजेस F फोल्डर में है, इमेजेस का फोल्डर का नाम है एंड उस पिक का नाम जो है हमारा ABC है। तो हम यहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जो इशू आता है इन प्रोग्राम्स में वो पिक का आता है कि पिक अपलोड नहीं होती है, अपडेट नहीं होती है। तो उसकी वजह से मतलब मोस्टली क्या करते हैं हम कि नॉर्मल विंडोज़ पे डेस्कटॉप पे हमने पिक सेव कर रखी होती है, हम वहाँ पे सीधा उसका पाथ दे देते हैं या नाम लिख देते हैं। तो अगर उस बहुत सी सिचुएशंस में वो पिक भी यहाँ पे ओपन हो जाती है, हमारा जो प्रोग्राम है वो चल जाता है। बट अगर बाई चांस नहीं चलता है तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने कंप्यूटर में या फिर डॉक्यूमेंट्स में कहीं पर इमेज सेव कर सकते हैं और वहाँ का पाथ यहाँ पे दे सकते हैं ताकि वो पाथ के थ्रू इजीली आ जाए। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा कोई इशू नहीं आता है तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपको कोई ऐसा इशू आ रहा है तो आप ऐसे पाथ दे सकते हो। एंड देन हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लिए हैं इसके, बॉर्डर दिया है, हाइट दिया है, विड्थ दिया है, ALT दिया है, एंड टाइटल हमने एक पिक को टाइटल दिया है दैट इज़ अ कूल पिक, उसको राइट में किया है, एंड वी स्पेस हमने यूज़ किया, एच स्पेस यूज़ किया है, एंड अलाइन यूज़ किया जस्टिफाई। एंड उसमें पैराग्राफ यूज़ किया, हमने पैराग्राफ में लिखा है दिस इमेज इज़ ऑफ वेब टेक्नोलॉजी, एंड देन पैराग्राफ क्लोज किया, देन बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। देन ये बेसिकली एक सिंपल सा प्रोग्राम है इमेज का कि हमने इमेज अपलोड किया है। एंड लेट्स सी इसको रन करके देखते हैं। या तो हमने इसको रन करके देखा तो आप देख सकते हो इस साइड पे इमेज आ गई है। हमने इस साइड किया हुआ था कि इस साइड इमेज आएगी एंड इसका बॉर्डर इस हिसाब से आया जैसे हमने बॉर्डर दिया हुआ था, वेब टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है एंड इसका ऊपर टाइटल इमेजेस इन HTML लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ दिया हुआ था द इमेजेस ऑफ वेब टेक्नोलॉजी वो लिखा हुआ है। तो एक बेसिक सा प्रोग्राम है ये HTML में पिक्स के ऊपर कि इमेजेस कैसे अपलोड करते हैं एंड ये बाकी सिंपल ही है। अभी हमने चैप्टर की समरी एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। लाइक हम HTML IMG यूज़ करते हैं जब हमने इमेज डिफ़ाइन करनी होती है एंड HTML SRC एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जब हमने डिफ़ाइन करना होता है URL ऑफ द इमेज एंड HTML ALT एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जब हमने ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज़ करना होता है इफ़ कैनॉट बी डिस्प्लेड एंड HTML विड्थ और हाइट यूज़ करते हैं जब हमने साइज़ डिफ़ाइन करना होता है कि इमेज का साइज़ क्या रखना है। हम CSS विड्थ और हाइट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं जब हमें डिफ़ाइन करनी होती है इमेज की साइज़ एंड HTML फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ताकि हम इमेज फ्लोट कर सकें। मैप यूज़ करते हैं इमेज मैप करने के लिए, एरिया यूज़ करते हैं, IMG यूज़ करते हैं, इमेज मैप यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं। तो दीज आर द सिंपल टैग्स विच वी यूज़ एंड आई होप आपको आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा एंड HTML इमेज टैग्स these are already discussed and thank you guys for watching this and if there is any issue कि आपकी जो इमेज है उसको लेके कोई भी इशू आ रहा है कि आपकी अपलोड नहीं हो रही है, आपने पाथ देके देखा है या कुछ भी है, अगर सिंपल पाथ देने से वो अपलोड नहीं हो रही है तो आप उसकी कहीं और सेव करके किसी फोल्डर के अंदर सेव करके वहाँ का पाथ देके आप उसको रन करके देखो। आप आई एम श्योर वो रन करेगा एंड अगर फिर भी कोई इश्यू है देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय बाय।